आपने कभी न कभी अपने घर या आसपास के बड़ों से बाजरे की रोटी, खिचड़ी या फिर मक्के की रोटी के बारे में खूब सुना होगा। कईयों ने तो खाया भी है। लेकिन मिलेट्स में मक्का बाजरा के अलावा भी ज्वार, रागी, मडुआ, छोटी कंगनी, कुटकी, कोदो, सावा, झंगोरा, कंगनी आदि भी आते हैं। आमतौर पर इन्हें मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। दरअसल इन्हें मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में लागत, मेहनत आदि कम लगती है। मिलेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिन्हें मेजर या प्रमुख जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी और कंगनी आते हैं, दूसरा माइनर या छोटे मिलेट्स, इसमें समा, कोदो, चिन्ना, कुटकी जैसे छोटे दाने वाले अनाज आते हैं। अलग अलग राज्यों में वहाँ की मिट्टी, जलवायु और मौसम के हिसाब से कहीं कम ज्यादा पैदावार वाले राज्य हैं। हम में से जिन लोगों का भी ग्रामीण परिवेश में संबंध रहा, वो कुछ समय के लिए भले ही मिलेट्स को भूल गए हों, लेकिन उसके महत्व को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। आज से 50 साल पहले तक भी भारत में मोटे अनाज की पहचान थी और लोगों की दिनचर्या में शामिल थे, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रभाव या कहें कि आधुनिकता के इस दौर में हमने मोटे अनाजों को बिसराना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इसे ग्रामीण खाने और उपेक्षा के रूप में देखना जाने लगा। आलम यह हुआ कि मोटे अनाज की मांग कम होती गई, इस वजह से किसानों ने पैदावार भी कम कर दी। लेकिन कोरोना काल ने हम भारतीयों को अपनी जड़ों की ओर जाने को मजबूर कर दिया। विश्व भर में लोगों ने पोषक वाले अनाज की मांग करने लगे। ऐसे में भारत दुनिया में मिलेट्स उत्पादन में पहले स्थान पर है और वन अर्थ वन हेल्थ के नारे के साथ आगे बढ़ रहे भारत ने देश के अलावा विदेश के लोगों को भी मिलेट्स से परिचित करवाने और उसका उपयोग बढ़ाने के लिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। वैसे भी जब पूरी दुनिया शाकाहार, प्रोटीन बेस्ड डाइट और अन्य स्वास्थ्य अनुकूल डाइट को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, ऐसे में समय में मिलेट्स का प्रचार और लोकप्रियता गरीब मिलेट्स उत्पादक देशों के लिए बहुत सारे व्यवसाय ला सकता है। बाजरा वर्ष के परिणाम स्वरूप इस फसल का अधिक और बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, जिससे निर्यात के अभूतपूर्व आंकड़े सामने आएंगे। यह परिवर्तन इन क्षेत्रों के छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए अच्छी आय के वादे के साथ ऐसे देशों के अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देकर वास्तविक बदलाव ला सकता है। हमारे देश में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 80% से अधिक मिलेट्स का उत्पादन होता है। मिलेट्स वर्ष मनाने के लिए उद्देश्य यह भी है कि भारतीय मिलेट्स व्यंजनों, वैल्यू एड प्रोडक्ट को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा सके। मिलेट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका मिलेट की घरेलू और वैश्विक मांग बनाना है। जलवायु अनुकूल इन पोषक अनाज के उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग आदि को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मिलेट्स इतना क्यों जरूरी है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज के समय में लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम की कमी आम बात हो गई है। इसके अलावा कई लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने खान पान में मिलेट्स को शामिल कर लें, तो शरीर को तमाम जरूरी पोषक तत्व मिलने लगता है, जैसे प्रोटीन, जरूरी अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम आदि। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है, यह मोटापे को भी कम करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए उपयोगी है, हार्ट के मरीज, हाइपरटेंशन को कम करने, हड्डियों को स्वस्थ रखने, ब्रेस्ट व कोलन कैंसर के मरीजों के लिए भी काफी उपयोगी है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।